मुंदा संतोख शरण पत झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंता काल कुआरी काया जुगत, डंडा परतीत आई पंथी सगल जमाती, मन जीत जग जीत, आदेश से आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एकोवेश। जब जी साहब गुरमत दे खोजियां दी दृष्टि विच सिद्धां नाल होई चर्चा है, सिद्ध गोष्ट है, भावें इस 38 पौड़ियां विच ते 2 श्लोकां विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म दी सूझ समझ जगत दे सामने रखी है, पर इहदे च उस वक्त दे चल रहे एक मुखी संपर्दा योगियां दे नाल होई चर्चा सवालां दे जवाब भी बकायदा तौर ते मिलदे ने। जैसे कि इन्हां 4 पौड़ियां दे च कुछ ऐसी झलक मिलदी है, ते इन्हां 4 पौड़ियां दे च एक मूल पंक्ति चलदी है, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ओ परिपूर्ण परमात्मा सब दा आद है, मुढ़ है, मूल है, अनिल धबियां तो रहत है, कालक तो रहत है, लिपाए मान नहीं, अनाद अनाहत। फिर अगर कोई उसका आद लभण की कोशिश करे तो अन आद अनाद अन आद आद नहीं, उसका जगत का आद है पर उसका कोई आद नहीं, जगत का मुढ़ है पर उसका कोई मुढ़ नहीं, संसार का वह मूल है पर कोई उसका मूल लभे तां फिर उसका मूल नहीं है। इस वास्ते कह दिता है अन आद, भाव जिदा कोई आद नहीं है, अनाहत हतन तो रहते उसकी हत्या, भाव नाश तो रहते उन्हों नाश नहीं किया जा सकता, जुग जुग एको वेश जिदा जुगां जुगांतरां दे विच निहचल वेश है, एक रूप है निराकार। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने ऐ जोगियो असी उसे नूं आदेश करदे हां, आदेश तिसे आदेश, उस नूं सजदा है, नमस्कार है, साडी आदेश है किस नूं, जो जगत दा मुढ़ है ते जिहदा कोई मुढ़ नहीं, जो धबियां तो रहत है, नाश तो रहत है, ते जुगां जुगांतरां विच जिसदा इक्को वेस है, उसकी प्राप्ति का साधन की है। जोग मध्य कुछ चिन्ह ने धार्मिक, ते ओ धार्मिक चिन्ह आप प्रभु प्राप्ति का साधन मनते ने, ते गुरु नानक देव जी महाराज के समझाण का ढंग यह है कि अगले की संपर्दा ते ओदे चिन्हां द्वारा ही उसनों सूझ बूझ करा देनी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਪਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਪਰ ਕੈਸੇ ਜੋਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ तो मैं मन दे सारे चिन्ह धारण कीते ने, अगर तुसी आखो तन नूं जोगी बनाना है
तो शायद ए रूपरेखा ना मिले। तो शायद दसदे ने असी बकायदा मुंदरा धारण कीती ने, मुंदा संतोख, असी संतोष दिया मुंदरा पहनिया ने। ईश्वर प्राप्ति दा मूल गुण जगत गुरु बाबा मनदे ने संतोष, जो जगत तो ही नहीं रजया, मुश्किल है कि उहदे अंदर प्रभु प्राप्ति दी कोई चेष्टा पैदा होवे, उमंग पैदा होवे। ऐसा देखण दे चाया या ते परमात्मा नूं ओ मनदे ने जिन्हां ने अपनी वासना दी पूर्ति करनी है, अपनी कामना दी पूर्ति करनी। दूजा धड़ा ओ है जो अपनी कामना दी पूर्ति लई, वासना दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार करदे ने, क्योंकि परमात्मा बाधा खड़ी कर देवेगा। अंदर जो तृष्णा है, अंदर जो वासना है जिदी पूर्ति करनी है, ईश्वर ते बाधा खड़ी कर देवेगा। तो इस तरह दे मनुख ईश्वर तो इनकारी हो जांदे ने, क्योंकि उन्होंने अपनी वासना दी पूर्ति करनी है। दो तरह दे मनुख असी जगत दे च वेखदे आं। कमजोर तबका अपनी वासना दी पूर्ति लई ईश्वर नूं मनदा है, ताकतवर तबका अपनी वासना दी पूर्ति लई ईश्वर नूं इनकार कर देंदा है, उस नूं बलाए ताकते रख देंदा है। कमजोर तो मुराद जिहदे कोल धीआं पुत्तरां दा कोई आसरा नहीं, धन संपदा दा कोई आसरा नहीं, पद प्रतिष्ठा दा कोई आसरा नहीं, उहदे लई हुण आखरी सहारा है ईश्वर। वासना बड़ी प्रबल है, तृष्णा बड़ी प्रबल है और उसकी पूर्ति करनी है, तो किस तरह होवे? तो कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं साधन बनांदा है। ईश्वर साधक है वासना की पूर्ति लई, पर जो ताकतवर बंदा है जिसने जबर करना है, लुटना है, दुराचार करना है, हुक्म चलाना है जबरन, तो ईश्वर ते उस लई बाधक है, वो फिर इनकारी होवेगा। तो ताकतवर ईश्वर नूं बाधा समझ के, बाधक समझ के इनकारी हो जांदा है। कमजोर ईश्वर नूं साधक समझ के उस नूं मनदा है, और ए दोहां दा मनना झूठ है, क्योंकि दोहां दे अंदर जिहड़ी है प्रबल वासना ही है। चंगेज खां, हलाकू, हिटलर जे बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ सके, जे 1 करोड़ मनुखां नूं हिटलर कतल कर सकया, तो यह सब कुछ तां ही हो सकदा है कि ईश्वर दी होंद नूं इक पासे रख दिता जाए। भावें ईश्वर नूं इक पासे रखना बड़ी औखी गल है, पर कम से कम मन तो ते उसनूं इक पासे रखिया ही जा सकदा है, अपनी सोचण शक्ति तो उसनूं इक पासे रखिया जा सकदा है। तो ताकतवर बंदे ने जद अपनी वासना दी पूर्ति करनी हुंदी है, तां फिर वह ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकार कर छड़दा है, तां ही वह खून खराबा कर सकदा है। ईश्वर दा मतलब दया, ईश्वर दा मतलब संतोष, ईश्वर दा मतलब हलेमी, ईश्वर दा मतलब सदाचार, ईश्वर दा मतलब है भाईचारा, और ईश्वर दा मतलब है निर्वैर बिरतियां। ते जे ये सब कुछ है, तां फिर हिटलर अपनी वासना दी पूर्ति कर नहीं सकदा। चंगेज खां ते हलाकू दा अगे चलना बहुत औखा होवेगा। या इस तरह की फितरत दे जो मनुख होए ने सारी दुनिया दे कन श्रावण इत्यादि, अगर वह ईश्वर की होंद नूं सामने रख देन, तां मुश्किल है वह अपनी वासना की पूर्ति कर सकन, फिर औखी गल है। तो ताकतवर बंदा, चाहे उहदे कोल इलम की ताकत है, धन की ताकत है, शरीर की ताकत है, पद प्रतिष्ठा की ताकत है, किसी भी पक्ष की जो ताकत है और उसने अपनी वासना की पूर्ति करनी है, तो ईश्वर ते एक दीवार है, दीवार गिरानी पएगी, ईश्वर ते बाधा है। तो जैसे जैसे इलम जगत दे च वधिया, जैसे जैसी बैरूनी पदार्थ की ताकत मनुख दे कोल वधी है, वैसे वैसे मनुख ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकारी हुंदा गया, और अज ऐलानिया तौर ते अद्धी दुनिया नास्तिक है। संसार दे इतिहास विच ऐसा पहली दफा होया है कि अद्धी मनुखता बिल्कुल नास्तिक होवे, जिहदे अंदर कोई आस्था नहीं, जिहदे अंदर परमात्मा दा कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। कारण
बाधा समझ देने। अगर ईश्वर है तो फिर दया चाहिए, अगर ईश्वर है तो फिर इंसाफ चाहिए, ईश्वर है तो फिर भाईचारा हलेमी, अगर ईश्वर है तो सारियां दे पैरां दी खाक बनना है, अगर ईश्वर है तो सारियां नूं गलवकड़ी नाल लाना है, पर 1 करोड़ बंदियां नूं कौन कतल करेगा, फिर बस्तियां दी बस्तियां कौन जलावेगा, फिर बंब कौन सुटेगा, फिर कब्रिस्तान कौन बनावेगा, बस्तियां नूं फिर कौन उजाड़ेगा। ये ताई हो सकता है कि ईश्वर नूं इनकार कीता जाए। तो करीबन करीबन जिन्हां ने ईश्वर नूं इनकार कीता है, लाजमी है वह किसी ना किसी पक्ष तों ताकतवर सन, चाहे धन दे पक्ष तों, चाहे प्रतिष्ठा दे पक्ष तों, चाहे ज्ञान ते इलम दे पक्ष तों जरूर होने ने। और ताकतवर नूं ईश्वर ऐसा दिखाई देंदा है कि ए मेरी वासना दी पूर्ति नहीं होण देगा, ए ते दीवार है, ए ते बाधक है, इनू एक पासे रखो। कमजोर है विचारा, निमाणा है, निताणा है, जात करके नीवा है, पात करके नीवा है, धन करके हीणा है, पद प्रतिष्ठा ही कोई नहीं, रंग रूप करके हीणा है, ऐसा मनुख है, उन्हें अपनी वासना दी पूर्ति करनी है, जगत विच उसनू कोई सहारा नहीं दिखाई देंदा, तो फिर सहारा है कौन? ईश्वर। पर ईश्वर सहारा केड़ी गल दा? वासना दी पूर्ति करनी है। तो कमजोर लई ईश्वर वासना दी पूर्ति करन दा एक साधन है, और ताकतवर लई अपनी वासना दी पूर्ति करन लई परमात्मा बाधक है, एक इनकारी है, एक मन दा है। पर दोहां दा मूल आधार वासना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र पौड़ी च फरमान पे कर रहे ने कि धर्म दी बुनियाद खड़ी है संतोष ते, वासना ते नहीं। चाहे वो वासना ताकतवर दी होवेगी तो वह ईश्वर नूं एक पासे रख देगा, और अगर कमजोर दी होवेगा तो फिर वह अपनी वासना नाल ही जुड़िया रहेगा, ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकेगा, परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकेगा। तो सतगुरु देव जी महाराज का फरमान, मुंदा संतोख, असी मुंदरा पहन रखिया ने केड़िया? संतोष दिया। जो कुछ है जैसा है सब ठीक, संतोख। अपनी प्रालबत ते भरोसा है, अपने भाग ते ही भरोसा है, और संतोषी मनुख ते हर हालत विच प्रसन्न रह सकता है। त्रिशनालु हर हालत विच प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, आ गया में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय माने। हे परिपूर्ण परमात्मा, अगर भुख भी आई है, कोई दुख भी आया है, तो मैं इनू भी तेरी दात समझे और प्रसन्न रहा, खुश रहा। संतोषी मनुख हर हालत विच खुश है, हर हालत विच प्रसन्न है। त्रिशनालु मनुख हर हालत दे चिड़चिड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। तो धर्म दा मूल गुण है संतोष। संतोष है ते सिमरन हो सकेगा। त्रिशनालु ने संसार दा सिमरन करना है, संतोषी ने निरंकार दा सिमरन करना है। जो प्रभु दे चिंतन दे डुबिया होया है, लीन है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, संतोषी है। जो जगत दे चलीन है, डूब गया, सबूत है त्रिशनालु है। तो महाराज कहिंदे ने, मैं अपने दोहां कंदरां नूं, कन्नां नूं, स्वर्ण शक्ति नूं मुंदरा पहनाईयां ने संतोष दियां। मुंदा संतोख सरम पत जोड़ी। पत शब्द ऐसा है जिहदे व्याकरण अनुसार कई अर्थ ने। पत पात्र बांडा, पत पत्ता दरखत दा पत्ता, फिर पत पंजाबी मावरे च इहदा अर्थ है इज्जत आबरू। पत इज्जत आबरू। इत्थे जो पत शब्द आया है जिहदे तत्ते तले औंकड़ है, एक वचन है, मतलब पात्र भांडा। तो महाराज कहिंदे ने, असी संतोष दियां मुंदरा पैनियां ने, पर पत्थर साडे हथ दे च केड़ा है, भांडा केड़ा है? जोगी घर घर दे च भिक्षा मंगदा है, ओदे हथ दे च खप्पर हुंदा है, ते खप्पर दे च मिली हुई भिक्षा नूं
ਉਹ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਣਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਬ ਲਗ ਗੁਣ ਔਰ ਗਰਵਤਾ ਜਬ ਲਗ ਕਹੇ ਨਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋ ਖੇ ਸਭ ਗੁਣ ਗੌਰਵ ਪਿੱਠ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਰਾਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਲੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀ ਅਸੀਂ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੰਤਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਰੱਖਣਾ ਕੁਆਰਾ ਕੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਦਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਾਨੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਿਰਤ ਹੈ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਦਨ ਹੈ ਸਿਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੈ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਿਰਤ ਗੀਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੁੱਬਣਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਆਪ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਔਰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਏ
जीवन देच ऐसे डुब्बे श्री कृष्ण के परम जीवन हो गए। ये दो द्वार ने या जीवन देच डुबकी मार के कोई परम जीवन नु उपलब्ध होवे या मौत देच कोई डुब्बी मार के मौत तो परा चले जाए अमृत तत्व नु प्राप्त हो जाए। तो देखण दे चाया है श्री कृष्ण दे होंटां ते बांसुरी यह निरत है इस सुपने च भी असी महात्मा बुद्ध नाल जोड़ नहीं सकते। वो खामोश ने चुप मुर्दा ते खामोश हुंदा है लाश ते खामोश हुंदी है मौत ते एक खामोशी दा नां है। किसे घर दे च कोई मौत हो जाए खामोशी छा जांदी है पर किसे घर दे च कोई आनंद विआह है तो राग रंग दियां महफिलां सज जांदियां ने शोर शराबा जिस घर दे च बहुत शोर शराबा है और कह के ने समझ लेना कोई खुशी है कोई विआह है पर जिथे बिल्कुल खामोशी तारी है होंठ बंद समझ लो कोई मौत है। तो महात्मा बुद्ध खामोश ने बोध भिक्षु खामोश ने लाश ते मौत की मूर्ति बने हुए ने पर मौत दे च इतने गहरे डुब्बे के मौत तो परे चले गए। जीवन दे च इतने गहरे डुब्बे इतना गहरा अध्ययन कीता जीवन दा कि इस जीवन तो परे चले गए श्री कृष्ण। जिथे तक गुरु नानक दर्शन दा सवाल है गुरु नानक देव जी महाराज जीवन दे च भी डुबना कहंदे ने मौत दे च भी डुबना कहंदे ने क्योंकि जीवन एक नहीं। अगर कोई बंदा ए आखे मैं सिर्फ मौत हां जन्म नहीं आ झूठ बोलता है जन्म होया है जीवन है ते कोई ए आखे मैं ते सिर्फ जीवन हां मौत नहीं ये भी अधूरी गल होवेगी। मनुख जीवन है मनुख मौत है जिंदगी जन्म है जिंदगी मौत है तो फिर डुबना दोहां दे च है। तो महाराज कहिंदे मेहनत करनी है मेहनत दी मेरे कोल झोली है किरत करनी है संसार दे डुबना है। गुरु नानक ने किरत की थी मोदी खाना चलाया खेती बाड़ी की थी आप दे पुत्र होए संतान होई परिवार होया परिवार नू गलवकड़ी चलाया और ए संदेश है गुरु नानक देव जी महाराज दा जीवन दे डुबना है। रवाब कोल है गीत संगीत दी दुनिया गुरु नानक दे कोल है राग रंग दी दुनिया सतगुरु देव जी महाराज अपने नाल रखदे ने मरदाने नू। तो पातशाह जीवन दे च भी डुबे पर पातशाह मौत दे च भी डुबे आपदा उपदेश पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। दार्शनिक लोगां दा ऐसा ख्याल है ते ए दृष्टि पढ़दियां पढ़दियां बन जांदी अक्सर कि जद सिर्फ जीवन दे च ही डुबे राग रंग दे च ही डुबे तो हिंदुस्तान दे सनातन मंदिर राग रंग दे अखाड़े बन गए। होया कि दूर दूर तो डाकुआं दे मूंह दे च पानी आया और उन्होंने इन्ना राग रंग दिया महफिलां नू रज के बर्बाद कीता लुटिया और सिर्फ राग रंग ही सी सिर्फ जीवन सी तो किसी हद तक देवदासियां दे अखाड़े बन गए। ये अस्थान और जीवन दे च डुब के दरअसल वो दुराचार दी दुनिया दे डुब गए जिथे गुरु नानक देव जी महाराज नू कहना पिया नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। पर जो मौत दे च डुबे बिल्कुल चुप हो गए खामोश हो गए बोलना नहीं हरकत नहीं करनी उसका अंजाम ए होया कि देश 2000 साल तक गुलाम रह गया कुछ करना ही नहीं खामोश चुप किसी नू रोकना ही नहीं कुछ किरत ही नहीं करनी कुछ कहना ही नहीं मुंहों कुछ बोलना ही नहीं सिर्फ ध्यान साधना। तो इतना ए महान वड्डा देश गुलाम होके रह गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान कीता डुबना जीवन दे च भी है डुबना मौत दे च भी है क्योंकि असी सिर्फ जीवन नहीं मौत हां असी सिर्फ मौत नहीं जीवन हां। तो महाराज कहिंदे ने मेहनत भी करनी है उद्यम भी करना है पुरुषार्थ भी करना है राग रंग दी महफिल भी सजानी है जदके असी देखदे हां गुरुद्वारे दी साधना जो परिपूर्ण परमात्मा दी प्राप्ति दी साधना है कीर्तन राग रंग दी महफिल ते आपदा उपदेश भी है नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत।
पर इस गीत संगीत दी महफिल दे भी गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे मौत दा चिंतन रखी खामोशी अंदर दी भुल ना जाई समाधि अंदर दी भुल ना जाई इस वास्ते आप मौत दे भी डुबना सिखांदे ने और उपदेश करदे ने पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास ओए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास पर इतना मौत दे ना डुबी के जीवन नू भुल जाए इस वास्ते आप दूजा उपदेश कर देन उदम करें दिया जीव तू कमाव दिया सुख भुंच ध्याव दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिन्ह तो गल ए अधूरी होवेगी अगर कोई आखे मैं जमया हां मैं मरना थोड़ी है और ए भी अधूरी गल होवेगी कोई आखे मैं मरना ते है पर मैं जमया थोड़ी हां तू जमया ही नहीं ते मरना कित्थों तू मरदा ही नहीं तो फिर जमया कित्थों जन्म ते मरण ए ते एक दरिया दे दो किनारे ने और जुड़े हुए ने ए ते जीवन रूपी धारा दे नाल जन्म ते मरण जुड़े हुए है डुबना है जीवन दे किनारे डुबना है मौत दे किनारे ताकि दोहां दी असलियत दा पता चले जो जीवन दिच डुबदा है वह परम जीवन नू प्राप्त कर लैंदा है और जो मौत दिच डुबदा है वह मौत तो परे हो जांदा है ओ अकाल दिच लीन हो जांदा है काल तो परे उठ जांदा है तो साहिब कहिंदे ने असी खिंता पहन रखी है मौत दी पर इत्थे सवाल खड़ा होवेगा जे मौत दी खिंता पहन रखी है तां फिर मेहनत दी झोली दी की लोड़ पै गई फिर उद्दम प्रशारत दे भांडे दी की लोड़ पै गई पर इत्थों ख्याल दर्शा दिता जीवन भी है साडे कोल तो जीवन दे भी डुबना है तो जीवन दे ते तां डुबिया जा सकदा है कोई मेहनत करे भज दौड़ करे किरत करे और परिवार की देख रेख करे तां ही जीवन दे डुबिया जा सकदा है और मौत दा चिंतन करे तो साहिब कहिंदे ने इन्हां दोहां दे डुबना है क्योंकि दोवें साडे कोल ने हर मनुख दे कोल जीवन भी है हर मनुख दे कोल मौत भी है ऐ बंदे जीवन दे डुब और मौत दे डुब ताकि दोहां तो परे उठ जन्म मरण तो उच्चा उठ जाएगा जीवन ते मौत तो उच्चा उठ जाएगा महाराज फरमान कर देने असी खिंता पहन रखीए काल दी और साड़ी जोग दी जुगती ए है कि काया नू कुआरा रखना पवित्र रखना बेदाग रखना हत्था नाल कोई गलत करना नहीं रसना नाल कोई गलत बोलना नहीं अखा नाल कुछ गलत वेखना नहीं काया नू बिल्कुल कुआरा रखना है कोरा रखना है खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीक साडे हथ विच डंडा केड़ा है जोगी लोग रखते ने महाराज कहिंदे रब्बी विश्वास दा डंडा साडे कोल है यही साडी हिफाजत करदा है तरह तरह के विकारां तो साड़ी हिफाजत करदा है भरोसा विश्वास जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया योगियां दे सब तो वड्डा पंथ है आई पंथ जो योगियां दे बारह ही पंथां नूं मंनदा है गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे मेरा पंथ आई पंथ है पर मैं सिर्फ बारह पंथां नूं नहीं मंनदा बल्कि आई पंथी सगल जमाती संसार दे जितनिया जमाता ने संसार दे जितने पंथ ने मैं सारियां नूं ही मनदा और सारियां दी एक जमात समझदा एक जमात दे बैठे ने सारे एक पाठशाला दे सारे बैठे ने सारियां दे नाल सांझी वालता है मैं सिर्फ बारह पंथां नाल संबंध नहीं जोड़दा मैं जगत दे तमाम पंथां दे नाल संबंध जोड़दा सारियां दे नाल चलदा और सारियां नूं नाल लेके चलदा ए मेरा आई पंथ है आई पंथी सगल जमाती तमाम जमातां दे नाल रहना ए मेरा आई पंथ है मन जीते जग जीते ते मैं जगत दी जित मन नूं जितण दे नाल मंदा न के रिधियां सिधियां दी प्राप्ति दे जगत दी जित मंदा मन नूं जितण नाल मैं जगत दी जित मंदा ते मेरा उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों आदेश है आदेश तिसे आदेश किस नूं आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेस जो सब दा मुढ है ते जिस दा कोई मुढ नहीं जो धबियां तो रहत है नाश तो रहत है ते जुगा जुगांतरां दे जिस दा एको ही वेस है उसनों ही बारंबार आदेश है उसे नूं ही बारंबार सजदा है।